प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भिलाई स्थित मुख्य सेवा केंद्र सेक्टर 7 अंतरदिशा भवन के पास ऑडिटोरियम में भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं सभी नव निर्वाचित पार्षदों का ईश्वरीय घर में आने पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका ब्रह्मकुमारी प्राची दीदी ने कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भिलाई क्षेत्र के नागरिकों ने सौंपी है। इसे पूरा करने की शक्ति हमें अपने मन की ताकत से प्राप्त होगी, उसे हमें यूज करना है। शांत और स्थिर मन से हम अधिक कार्य कर सकते हैं। इस अवसर पर भिलाई के सभी सेवा केंद्रों की वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी बहने उपस्थित रहीं। सभी ने ईश्वरी याद में पवित्र वायुमंडल में परमात्मा को भोग लगाया और भोजन ग्रहण किया। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे सदस्य वो भी जो हम कार्य में लगाते हैं, यह मन की शक्ति। मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करना चाहूंगी। पर अंदर मन के पास ताकत भी बहुत है। अंदर मन की शक्ति का उपयोग करूं तो बाहर जो हम मुझे पता है बहुत कार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए ताकत भी तो चाहिए और शक्ति कौन सी चाहिए। भाई सर, एक रिक्वेस्ट। अब जो बात कर सेक्टर 7 में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी जो विद्यालय है वहाँ पर मैं एक्चुअल में माननीय महापौर जी और जितने भी माईसी सदस्य हैं, आयुक्त महोदय हैं और जितने पार्षद जो नव निर्वाचित होकर के आए हैं और जो अपने कार्य क्षेत्र पे हैं, इन सभी का सम्मान जो है वो वहाँ पर हुआ। और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जो एनालिटिक होकर काम जैसे करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने राजयोग के बारे में बताया है और जो अपने वहाँ पे विश्वविद्यालय में चलते हैं उसके जो टिप्स हैं, जो विद्यालय में चलते हैं वो टिप्स जो है सभी को दिए गए हैं कि और अच्छे एनर्जी के साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेके जो है उन्होंने स्वागत और सम्मान किया।